Hey guys, this is Sid Roy and you know me as well guys. So क्या हाल चाल है आपके guys? And और बताओ क्या चल रहा है guys? आज एक special चीज़ है, मैंने special चीज़ एक order करी है जो कि है iPhone का cover और ये मेरे को पड़ा अराउंड 4,000 का कवर है भाई इंडिया के एंड 200 दिरहम का, क्योंकि यार मैंने फ़ोन जब लिया था तो पहले तो मैंने बोला चलो थोड़ा वैसे और कोई कवर यूज़ करते हैं, पर आपको पता है अब जब इतना महंगा चीज़ लिया है तो ऑब्वियसली जब चीज़ भी ओरिजिनल लगाओगे तो अच्छा लगेगा, चाहे वो एप्पल की है चाहे कोई और कंपनी की है। बट मैंने बहुत सी वीडियो देखी एंड मेरे को लगा कि वन ऑफ द बेस्ट एप्पल का ही कवर है अपनी फ़ोन की सेफ्टी के लिए। तो चलो गाइस करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं एंड ये रहा मेरे पास, वो पार्सल आया है थोड़ी देर पहले ही आया है, तो अभी चेक करेंगे और देखेंगे कि भाई अपना कवर कैसा है। तो गाइस ये रहा आईफोन का ओरिजिनल कवर, मैक केस में सिलिकॉन केस है एंड मैंने इसी बहुत सी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। बहुत टफ़ केस है, ऐसा नहीं है कि इजीली आपका फ़ोन नहीं टूटने देगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इतना महंगा फ़ोन ले रहे तो आपको 4,000 खर्चने में और कोई हर्ज नहीं रहेगा अगर आप एक अच्छा टफ केस डलवा लोगे अपने फ़ोन में। तो ये ओरिजिनल केस है, अभी इसको ओपनिंग करते हैं देखते हैं। एंड यार एक तो इनकी पैकेजिंग बड़ी मस्त वो है, एकदम ऐसे खोलने का बड़ा अलग ही सिस्टम है भाई इसका, ये लोग बड़ा यूनिक बनाते हैं चीज़ को यार। क्या बात है, क्या बात है भाई, जबरदस्त कवर है यार, क्या मस्त कवर है, जबरदस्त है भाई, जबरदस्त एंड टफ भी है। इसकी साइड में देख रहा हूँ, साइड में मतलब आप इसको दबाओगे तो ऐसे नहीं दबेगा एक्चुअल, मतलब टफ है, साइड से टफ है, नीचे से भी टफ है, ऊपर से भी, मतलब पूरे साइड से मतलब आपको वही है नज़र आ रहा है, काफ़ी मजबूत है। मतलब इससे ऐसा मतलब मैं दबा रहा हूँ इसको, मतलब इतनी जल्दी नहीं मुड़ रहा है एंड और लोगों की बात है, और लोगों देखो दूसरे कवरों में आपको लोगों बड़ा कम मिलेगा और लोगों भी मिल जाएगा तो और थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब चीज़ ओरिजिनल है तो आपको सब चीज़ें ओरिजिनल लेनी चाहिए। एंड चलो अभी इसको लगाते हैं। तो गाइस ये हमारी आज की वीडियो है एंड ये मेरे को बता दिया मैंने आपको 4,000 का पड़ा है कवर एंड अभी और भी चीज़ें लेने बाकी हैं, देखते धीरे धीरे क्या क्या लेते हैं। मैं वॉच भी लूँगा, वो भी आपको बताऊँगा एंड इधर काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, क्योंकि दुबई में बैट कम है और आप जितना अच्छा मौका मत गवाओ, अगर दुबई में है तो थोड़ा बहुत शॉपिंग ज़रूर करो गाइस, चाहे वो फ़ोन है चाहे वॉच है चाहे सोना है चाहे कुछ भी है, इधर से चीज़ें ज़रूर बाय करो क्योंकि आपका बहुत पैसे बचेंगे। इधर के फ़ोन के रेट और उधर इंडिया में रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो आपको शायद पता होगा इस चीज़ का। तो अगर आप कभी भी दुबई में हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कुछ बाय करो खुद के लिए जो आपने कभी लिया नहीं है, आईपैड ले लो, वॉच ले लो, वॉच तो तब लो अगर आपका आईफोन पहले से है तो फ़ायदा है वॉच का, ऐसे क्या करेगा, बाकी आपको जो लेना है आप ले सकते हो गाइस। तो गाइस यही आज का वीडियो है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू एंड कीप सपोर्ट मी।